न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है। इसमें भी हमें करंट फ्लो करनी है इस सर्किट में, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में। तो ये देखिए, इसे भी हम लोग कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसे आप बहुत ही कम लाइन में इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, हमें केवीएल या केसीएल लगाने से पहले हम लोग को ये जो सर्किट है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इजीली इसे ग्राउंड बनाना होगा। तो देखिए, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसे हम लोग ऐसे नहीं इसमें केवीएल कैसे लगा सकते हैं। तो इसको एकदम आसान मेथड सॉल्व करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है, आपको पता है यहाँ पर अगर करंट फ्लो हो रही है आई, तो इधर से भी करंट इसमें क्या फ्लो हो रही होगी, आई ही, ठीक। तो जब सीरीज में हो गया दोनों, मतलब करंट सेम फ्लो हो रही है, तो मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो हम लोग इसे मॉडिफाई फिगर में बनाएंगे। तो ये देखिए कैसे बन जाएगा, हम लोग का वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट और ये 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये हम लोग इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे इस सीरीज में, 2 और 2 ये हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ये 1 ओम ही, और ये यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ये 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक, ये 2 वोल्ट हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इजीली करंट फाइंड कर सकते हैं ना। तो देखिए, ये जो यहाँ वोल्टेज सोर्स है ये इसका ही वोल्टेज सोर्स है, तो जो यहाँ पर है सेम, यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स वही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे वी ले लेते हैं, इसे वी वी जो एकदम सेम एज है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स देखें या फिर यहाँ देखें, एकदम सेम ही वोल्टेज सोर्स होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर इजीली केसीएल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी माइनस वी वी अपॉन 4। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है 10, और वी वी की वैल्यू 2 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 4, ये जाएगा कितना हो जाएगा 2 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है इसमें। ये देखिए हम लोगों ने कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आप यहाँ पे 2 भर देंगे। ये देखिए, इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसे बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना चाहिए नेटवर्क का। आप चाहे तो इसे पहले खुद ट्राई करें, या फिर देखने के बाद आप इस टाइप का न्यूमेरिकल नेटवर्क खोजें बुक में, और उसे अधिक से अधिक सॉल्व करें, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा।